नवरात्र के 9वें दिन कंजक पूजन के बाद दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माने जाने वाले विजयदशमी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। पटना के गांधी मैदान में रावण वध का आयोजन रावण वध समिति द्वारा किया जा रहा है। वहीं रावण वध समिति की महामंत्री विभूति नारायण शर्मा का कहना है कि 1986 से रावण वध का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। इस साल 60 फीट का रावण और 55 फीट का मेघनाथ बनाया गया है। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सारण जिला प्रशासन के सहयोग से यह रावण वध लगभग 35 वर्षों से यहाँ लगातार होते आ रहा है और हम हर साल यह प्रयास करते हैं कि कुछ नया लोगों के बीच आतिशबाजी के रूप में यह राम रावण युद्ध का कुछ हम नया दे सकें। और आज की परिस्थिति जो है, पिछले कुछ दिनों पहले जो बारिश यहाँ हुई थी, आप देख भी रहे हैं कि जगह जगह गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है, तो उसमें जिला प्रशासन के सहयोग से और समिति के तरफ से यह पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और हम आज इस पूरी तैयारी को पूरा कर लेंगे और इसको बढ़िया ढंग से कल कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। रावण की लंबाई 60 फीट है और मेघनाथ की लंबाई 55 फीट है। हमारी जो शोभा यात्रा श्री राम और लक्ष्मण की शोभा यात्रा कटहरी बाग से निकलेगी, मौना चौक होते हुए नगरपालिका चौक और थाना चौक होते हुए राजेंद्र स्टेडियम में 5 बजे प्रवेश करेगी और उसके बाद यहाँ आतिशबाजी का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद आतिशबाजी के ही माध्यम से आपस में राम रावण का युद्ध दिखाया जाएगा और उसके बाद कार्यक्रम की रावण वध के बाद कार्यक्रम की समाप्ति। कार्यक्रम का उद्घाटन सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह और पुलिस उप महानिरीक्षक विजय कुमार वर्मा द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम CCTV कैमरे के घेरे में रहेगा और प्रत्येक द्वार पर मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की गई है। जो लोग भी यहाँ आएंगे उनको उस द्वार के माध्यम से अंदर जाना होगा और पूरा प्रशासन इस पर मुस्तैद है कि किसी को भी उस द्वार के बिना आने का की अनुमति नहीं दी जाए और जो भी आएंगे उस द्वार से गुजरकर मेटल डिटेक्टर से गुजरकर ही आएंगे। और यहाँ हमारे इस मंच के दाहिनी तरफ महिलाओं की बैठने की व्यवस्था है और बाईं तरफ पुरुषों की व्यवस्था है, तो शांतिपूर्वक यह निकल जाए इसलिए इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन और समिति के सदस्यों के सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। गौरतलब है कि यह त्यौहार भगवान राम और माँ दुर्गा को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का संहार किया था, जिसके चलते इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी TV के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।